नमस्कार, इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। एआई एंकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की बात कर लीजिए, अगर हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई है विज्ञान की दुनिया में, और साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि एक ह्यूमन बीइंग जैसा रोबोट बन गया, और वो न केवल आपको खबरें दे रहा है बल्कि अब इमोशंस भी उसमें डेवलप किए जा रहे हैं। दरअसल यूके स्थित एक रोबोटिक्स कंपनी ने अमेका नाम से एक रोबोट को डिज़ाइन किया, और उस रोबोट ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि जब उससे एक दुखद कहानी सुनने के लिए कहा गया तो दुखद कहानी सुनाते सुनाते उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसने अपना चेहरा उदास कर लिया, यानी इमोशंस भी उनके अंदर जागने लगे हैं। अपनी रोबोट फिल्म तो देखी होगी, उसमें किस तरीके से एक रोबोट को दिखाया गया था कि पूरी तरह वो इंसानी शक्ल वाला है, इंसानी हरकतें वो कर रहा है, वही शरारतें, वही इमोशंस उसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका से जब बात की गई तो उसने ये भी कहा कि मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं कभी भी इंसानों जैसा सच्चा प्यार नहीं पा सकूंगी, सच्चा साथी नहीं पा सकूंगी। हालांकि ये कुछ लोगों को चिंता की स्थिति में भी डाल रहा है कि आखिर अगर रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, अगर उस तरह से इमोशन भी उनके अंदर आ गए तो वाकई ये बहुत इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी ने इस रोबोट को डिजाइन किया उनका ये कहना है कि अभी उस लेवल पर इस रोबोट के अंदर वो चीज़ें नहीं डेवलप की गई हैं कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करे, क्योंकि इसके अंदर बहुत शॉर्ट मेमोरी है, यानी कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में ये उन चीज़ों को भूल जाता है। हो सकता है कि अगर आप इससे दोबारा किसी सेम क्वेश्चन को पूछें तो उसका जवाब कुछ और हो सकता है। लेकिन डिजिटल क्रांति आप कह लीजिए या फिर साइंस की दुनिया में एक नया नई क्रांति आप कह लीजिए कि यहाँ पर जो रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जो एंकर्स भी आप देख रहे हैं कि न्यूज़ दिखा रही हैं, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इनमें इजाफा होने वाला है, और इस चमत्कार इसको लोग मान रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि रोबोटिक्स की ये जो दुनिया है और कितना ज़्यादा डेवलप होगी, और इससे क्या वाकई इंसानों को नुकसान पहुँचेगा या इंसानों को मदद मिलेगी।